हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको लेके चलेंगे ग्रेटर नोएडा के उस सेक्टर में जहां आपको बड़े साइज के प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे। आज हम आपको लेके चलेंगे चाय थ्री में दिखाएंगे किस किस साइज के प्लॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे, कितने आपको कंप्लीशन देखने के लिए मिलेंगे, कितने वहां पे मकान जो है वो बन चुके हैं, कनेक्टिविटी जो है वो कैसी है, अगर आप आना चाहते हैं यहाँ पे तो किस तरीके से आ सकते हैं, अंदर जो है रोड के साइज जो है वो कैसे है, सभी जानकारी जो है वो आज आपको देंगे हम चाय थ्री की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं थोड़ा मैप में, आप देखेंगे ये चाय फाई एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, ये इधर यमुना एक्सप्रेसवे है जिससे 60 मीटर का रोड जाता है, ये बड़ा गोल चक्कर है ग्रेटर नोएडा का सबसे बड़ा गोल चक्कर, और इधर ये 45 मीटर की एक रोड है, ये परीचौक के लिए इधर से चली जाती है, और ये आप देखेंगे चाय थ्री में आपको ये जो प्लॉट है वो देखने के लिए मिलेंगे जिनकी हम आपको आगे जानकारी देंगे। ये 5 एकड़ का बहुत बड़ा कॉमर्शियल एरिया है, ये ग्रीन बेल्ट है, इसके साथ 100 मीटर का रोड है, उसके साथ यमुना एक्सप्रेसवे है इधर की साइड जो आपका आगरे की साइड जा रहा है, इस 60 मीटर से अभी हम आपको लेके चलेंगे अंदर। तो चलते हैं, बाकी की जानकारी जो है हम आपको ग्राउंड पे देंगे चल के। तो चलिए चलते हैं चाय थ्री। तो अभी हम आ गए हैं 60 मीटर रोड पे, ये वो 60 मीटर रोड है जो यमुना एक्सप्रेसवे की साइड से आती है और इधर गोल चक्कर जो है बड़ा गोल चक्कर उस पे चली जाती है। तो अभी हम चल दिए हैं ये चाय थ्री में। चाय थ्री का ये गेट है जो चारों तरफ आपको गेट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय थ्री का एरो लगा हुआ है। अभी हम चलते हैं इसमें अंदर और आपको आगे जो है दिखाएंगे कि किस तरीके के प्लॉट हैं, क्या क्या प्लॉट के साइज हैं और कैसे रोड हैं, ग्रीनरी वगैरह कैसी है, ये सब जो है वो आपको अंदर इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो मेन रोड हैं, जो मेन रोड इसमें हैं वो 18 मीटर के आपको देखने के लिए मिलेंगे, बाकी अंदर आप देखेंगे जो प्लॉट के अंदर जो जनरल रोड है वो इसमें आपको 12 मीटर देखने के लिए मिलेंगे। चाय थ्री में आपको दो साइज ही देखने के लिए मिलेंगे, एक इसमें आपको बड़ा साइज़ जो है वो 750 मीटर का देखने के लिए मिलेगा और छोटा साइज़ जो है वो आपको 504 मीटर का देखने के लिए मिलेगा। तो चाय थ्री में आपको दो ही साइज़ देखने के लिए मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं ये मकान जो है ये बना हुआ है, सामने आप देखें काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है और रोड भी आपको 18 मीटर और 12 मीटर के ही अंदर देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुछ कंप्लीशन बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं पुराने कंप्लीशन जो है वो बने हुए हैं चाय थ्री में। आप देखें ये मेन रोड है, इधर से ये वाली रोड जो है ये भी 18 मीटर की रोड है, ये आप देख सकते हैं, ये आप देखेंगे सामने पुराने जो है कंप्लीशन वो आप देख पा रहे हैं। कनेक्टिविटी की इसकी बात करें सबसे पहले बात करते हैं मेट्रो की। आप ये जो मेट्रो आ रही है नोएडा एक्सप्रेसवे पे, ये मेट्रो स्टेशन जो है आपको यहाँ पे दो मेट्रो स्टेशन जो है वो पास ही में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि एक आप देख सकते हैं यहाँ पे मेट्रो जो है नॉलेज पार्क 2 वाली मेट्रो देख सकते हैं, वो भी इससे पास ही में, वहाँ से इसका डिस्टेंस मानिए आप 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास उसका डिस्टेंस मान सकते हैं, और 3 किलोमीटर के आसपास जो है आप परीचौक का जो मेट्रो स्टेशन है उसका डिस्टेंस यहाँ से आप मान सकते हैं। तो आपको नज़दीक में जो है यही दो मेट्रो स्टेशन यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप देखें तो जो यमुना एक्सप्रेसवे है इस पे सबसे फर्स्ट का सेक्टर ये पड़ता है जो चाय फाई है और यमुना एक्सप्रेसवे से लगा हुआ, इसलिए कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत अच्छी है, आपको बिल्कुल यमुना एक्सप्रेसवे पे लगा हुआ मिलेगा। जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके साथ 100 मीटर रोड है, उसके बाद ग्रीन बेल्ट आप देखेंगे, फिर उसके साथ साथ आप 5 एकड़ का कॉमर्शियल एरिया जो है वो देखेंगे, उसके बाद जो है चाय थ्री जो है स्टार्ट होता है। और 60 मीटर की रोड डिवाइड करती है चाय थ्री को और चाय फोर को, एक साइड में आप चाय थ्री देखेंगे, एक साइड में चाय फोर देखेंगे, और सामने अगर 60 मीटर पे आप चले जाएंगे जो हमने फर्स्ट में 60 मीटर रोड दिखाई थी वो फिर सीधा आपका बड़ा गोल चक्कर जो है सबसे बड़ा ग्रेटर नोएडा का उस पर आपको लेके जाएगी। तो कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, नियर परीचौक है, परीचौक से भी दूरी जो है 3-3.5 किलोमीटर के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी है, और पास में आपको अच्छे हॉस्पिटल और स्कूल जो है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। थोड़ी दूरी पे आप एजुकेशन का जो पूरा हब है वो देखेंगे, वो आपको देखने के लिए मिलेगा पास ही में, जो आपका
नॉलेज पार्क सेकंड और थर्ड में आप देखें पूरा एजुकेशन का हब जो है वो देखने के लिए मिलेगा। उसी के पास में ही आपको एक्सपो मार्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो कनेक्टिविटी जो है इसकी बहुत अच्छी है। और सबसे बड़े साइज़ की अगर प्लॉटों की बात करें तो आपको चाई सेक्टर जो हैं, चाई पाई सेक्टर जो हैं, इन्हीं में ही आपको बड़े साइज़ के जो प्लॉट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपको चाई थ्री में दो साइज़ के जो प्लॉट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि एक आपका 405 मीटर के और दूसरा आपका 750 मीटर के साइज़ जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मोस्टली आपको यहाँ पे कंप्लीशन ही देखने के लिए मिलेंगे, अभी ज़्यादा मकान बने नहीं हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। उसी के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है। बड़े बड़े पार्क आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हैं बड़े बड़े आपको इसमें पार्क जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ के सर्कल रेट की अगर बात करें तो 27,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का यहाँ पे सर्कल रेट है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा जो है। जैसे सभी जो है यहाँ पे आपको कंप्लीशन जो है वही देखने के लिए नज़र आ रहे होंगे, कहीं कहीं पे इक्का दुक्का मकान है क्योंकि बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, अभी पूरी तरीके से ये सेक्टर डेवलप नहीं है। बाकी आप अगर ग्रेटर नोएडा में अच्छी लोकेशन पे प्लॉट देख रहे हैं तो इस सेक्टर में आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। आने वाले टाइम के लिए रेट जो है काफ़ी अच्छे आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ग्रेटर नोएडा के जो सेक्टर हैं उनमें काफ़ी पास में फिल्म सिटी और एयरपोर्ट के पास में होगा। अगर आप अभी यमुना में आते हैं कोई भी बड़ा साइज़ लेते हैं तो यहाँ पर आपको बनाने में टाइम लगेगा, रहने में। अगर आप रहने का इन्वेस्ट का दोनों का देख रहे हैं तो आप इस सेक्टर को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आज ही आप बना के अपना रह भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे और सेक्टरों के मुकाबले अगर ग्रेटर नोएडा का देखें तो आपको यहाँ पे प्राइस जो है वो कम देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आने वाले टाइम में इसके भी प्राइस इसी तरीके से बहुत ऊपर जाएंगे। आप सामने देखेंगे तो इसी सेक्टर में वो ग्रुप हाउसिंग है, जो काफ़ी बड़े बड़े जो प्लॉट हैं वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। सामने जो है तो काफ़ी अच्छा सेक्टर है, बड़े रोड हैं और एक खुला वो है ग्रीनरी का, बहुत अच्छा वो है, आपको काफ़ी ग्रीनरी जो है वो देखने के लिए मिलेगी और एक्सप्रेसवे के साथ है। कहीं भी आपको अगर जाना है इससे, आपको अगर दिल्ली नोएडा अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पास ही में है, अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से कहीं भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पार्क वगैरह जो है काफ़ी बड़े बड़े देखने के लिए मिलेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में। और मोस्टली कंप्लीशन जो है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे, मकान जो है वो आपको अभी यहाँ पर कम देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये सेक्टर जो है पूरी तरीके से अभी डेवलप नहीं है। बाकी आप इससे लगा हुआ बहुत बड़ा कॉमर्शियल एरिया जो है 5 एकड़ का वो इसके सामने ही देखेंगे, ये सबसे अच्छी बात है। और बड़े बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, इससे कि जो भी मकान बनेगा वो अच्छा ही बनेगा, एक कोठी वाला लुक जो है वो आएगा, क्योंकि छोटे साइज़ के प्लॉटों में थोड़ा सा एक कंजेस्टेड हो जाता है। बाकी बड़े साइज़ के जो प्लॉट होते हैं उनको जब वो बनते हैं तो काफ़ी अच्छा जो है फील आता है, जैसे आप सामने देख सकते हैं एक मकान बना हुआ है। बाकी आपको यहाँ से कनेक्टिविटी जो वो काफ़ी अच्छी है।